अस्सलाम वालेकुम सस्तकार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल न्यूज़ नेटवर्क में। तो दोस्तों, जो सरकार ने जो गाइडलाइंस दी थी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप के, वो सभी प्लेटफॉर्म जो 26 मई तक का 3 महीने का टाइम दिया गया था उस गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए, तो उसमें बहुत सारे ऐप हैं, लगभग 99% ऐप ने उस गाइडलाइंस का पालन अभी तक नहीं किया है। तो वो इतना ज़्यादा मैटर बढ़ चुका है दोस्तों, इस बात पर हम आपको बताते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा मैटर बढ़ चुका है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति भारत के वेंकैया नायडू, बीजेपी अध्यक्ष आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सुरेश जोशी कार्यवाहक और सुरेश सोनी जैसे लोगों को, आरएसएस के जितने भी नेता हैं दोस्तों, उनका ब्लू टिक जो अकाउंट था, वेरीफाइड अकाउंट ट्विटर का, उसे ट्विटर ने शनिवार को सुबह 7 बजे हटा दिया था। हटाने के बाद दोस्तों आप देखेंगे, जब ट्विटर का अकाउंट आरएसएस चीफ मोहन भागवत और आरएसएस के कई नेताओं को जब ब्लू टिक वेरीफाई अकाउंट जब हटाया गया दोस्तों, तो उस पर इतनी ज़्यादा आवाज़ उठने लगी, इतना ज़्यादा बवाल होने लगा दोस्तों कि ट्विटर को वापस, फिर वो ब्लू टिक को वापस करना पड़ा। फिर ट्विटर ने जो जवाब दिया, ट्विटर ने जवाब ये दिया कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और आरएसएस चीफ मोहन भागवत और इनके आरएसएस के अन्य नेताओं को ये ट्विटर ने कहा कि इन्होंने अकाउंट पे एक्टिव बहुत कम रहते थे, लगभग 2020 से आरएसएस चीफ मोहन भागवत ट्विटर पे अकाउंट पर एक्टिव नहीं रहते, इसलिए ब्लू टिक ऑटोमेटिक हट गया है। इसके हटने के बाद दोस्तों बड़ी बात, सबसे गंभीर बात तो ये हुई कि इतना ज़्यादा बवाल हुआ एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट होने की वजह से, इससे भारत की बेइज्जती हो रही थी। आरएसएस नेता कह रहे थे कि भारत की इंसल्ट हो रही है इसकी वजह से। क्या इंसल्ट कोरोना में नहीं हो रही थी? लाखों लोगों की जान चली गई। अगर ये बीजेपी पहले इस काम को इतनी ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ उठा रही है, जिस तरीके से एक ब्लू टिक पे आवाज़ उठा रही है, तो क्या लाखों लोगों की जान नहीं बच सकती थी? अमित शाह से मैं एक सवाल करता हूँ कि लाखों लोगों की जान नहीं बच सकती थी कोरोना की वजह से? जिस तरीके की महामारी फैली, जीडीपी गिरी, महंगाई इतनी ज़्यादा आई, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार हो रही है, क्या ये सब तय नहीं करता था? अगर आवाज़ उठती, बीजेपी सरकार अगर चाहती, तो COVID-19 पे कंट्रोल तभी हो जाता जब पहली लहर आई थी मार्च में, जब पहला केस आया था दोस्तों। लेकिन आप एक ब्लू टिक की वजह से आपकी इंसल्ट हो रही है, भारत की इंसल्ट हो रही है, इस तरीके के बयान आते हैं नेताओं की। गंभीर बात तो ये है दोस्तों, कोविड की वजह से जितने लोगों की मौत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को, COVID-19 की वैक्सीन लगाने से लोग डर रहे हैं, इसमें भारत की इंसल्ट नहीं हो रही है? जहां पे वैक्सीन बनी वहीं देश पे कमी हो रही है, इसमें भारत की बेइज्जती नहीं हो रही है? तो मैं बीजेपी के तमाम नेताओं से, अमित शाह हुए चाहे कोई भी हुआ, मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरीके से आरएसएस के नेताओं पर ब्लू टिक के हटाने की बात इतनी ज्यादा आवाज उठी है, अगर इस तरीके से COVID-19 के ऊपर आवाज उठी होती, तो दोस्तों 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ये जाने बच जाती दोस्तों। तो मैं आप सभी से यही कहता हूं दोस्तों कि आप तमाम लोग अपना ख्याल रखें, पार्टियां कोई भी हो आपका ख्याल नहीं रख सकती, आप खुद अपना ख्याल रखें। जरूरी बात दोस्तों, वैक्सीन का नंबर आने पर आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।